हेलो गाइस, साइकोलॉजी के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है एंड वी विल डू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंसी ऑफ साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। और इस वीडियो में हम प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही यहाँ से हम लोग जो ही वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो सवाल पूछा गया था ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, स्कूल लेक्चर 2011 कॉमर्स में पूछा गया था। सवाल था विच साइकोलॉजिस्ट केम अप विद द फॉलोइंग डेफिनेशंस, और डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स माइंड, इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। तो ये किसने दिया था, हमारे पास में फोर अल्टरनेट थे जिसमें ऑप्शन था जेम्स विलियम्स, क्रो एंड क्रो, वर्ड्सवर्थ आरएस एंड स्किनर बीएफ, और हमारा करेक्ट आंसर आएगा वर्ड्सवर्थ आरएस इज द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। तो पूछे गए सवालों को लेकर के ही डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में गाइस। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो हमारे ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, और हम आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाएंगे जल्दी ही, ठीक है गाइस। तो देखिएगा, हम लोग बात करें तो वर्ड्सवर्थ जो था वो उसके बारे में हमने बात की, हमारा सवाल था। अब सेकंड जो सवाल है वो है, वुंट ऑफ जर्मनी इज नॉन फॉर, तो विलियम वुंट ऑफ जर्मनी इज नॉन फॉर, हमारे पास फोर अल्टरनेट थे। पहला अल्टरनेट अगर हमारे पास चारों ऑप्शंस की बात की जाए तो उसमें था वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, और प्रोपाउंडिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ओपनिंग फॉर साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ओपनिंग फॉर साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, राइट गाइज। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइकोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन, और ये पूछा गया था सवाल स्कूल लेक्चर 2013 में बायोलॉजी में, बायोलॉजी का जो था उस वाले पार्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें हमारा ये है कि साइकोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन, यानी कि किससे संबंधित है या कैसा करती है, तो इसने क्या बना दिया है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, यानी कि साइकोलॉजी की वजह से आज एजुकेशन जो है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो देखिएगा, हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी जैसा कि अलग अलग डेफिनेशन से आपको निकल करके आ रहा है किस किस तरीके से डेवलप हुआ, इसमें ऑप्शन थे कैरिकुलम सेंटर था, सब्जेक्ट सेंटर था, टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर। तो करेक्ट आंसर होगा चाइल्ड सेंटर, राइट गाइज। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, हु सेड साइकोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री, यानी कि ऐसा किसने कहा कि जो साइकोलॉजी है उसका पास्ट तो लंबा रहा किंतु इतिहास बहुत छोटा रहा, ऐसी डेफिनेशन किसने दी। तो देखिएगा, हमारे पास में ऑप्शंस थे स्टेनले होल, स्किनर, टिचनर एंड एबेंगुइस था। तो हमारा करेक्ट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, और ये स्कूल लेक्चर 2016 में सोशियोलॉजी में पूछा गया था, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने दो तीन सवाल और देखे थे जिसमें हम लोगों ने एक लेबोरेटरी को लेकर के भी बात की थी, फर्स्ट लेबोरेटरी जो सेट हुई थी उसका सवाल बहुत बार पूछा जाता है, और ये उसी तरह का सवाल एक बार फिर पूछा गया था कि वेयर वाज फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। तो ये पूछा गया था तो लिपचिंग में, जैसा कि पहले हमने उसके बारे में भी चर्चाएं की थी, तो लिपचिंग के अंदर ये हुआ था। वर्ल्ड्स की फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी लैब की बात करें तो वुंट जो था वो जर्मन का था, डॉक्टर भी था और एक साइकोलॉजिस्ट भी था, और उन्होंने दुनिया की पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब चालू की, और ये 1879 के अंदर स्थापित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग में है, वो जर्मनी में है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज ऑथर्ड बाय, यानी कि जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वो किसके द्वारा लिखित है, ये सवाल पूछा गया था स्कूल लेक्चर 2016 के एग्ज़ाम में, सोशोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारे पास में एग्ज़ाम में हम लोग अगर ऑप्शंस की बात करें तो फोर अल्टरनेट हमारे पास थे, जॉन डेवी था, विलियम जेम्स था, और इसके अलावा हम बात करें तो वुंड भी था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो विलियम जेम्स होगा, स्कूल लेक्चर 2016 में पूछा गया सवाल है। तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज एन 1819 बुक अबाउट साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स, एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। तो ये अमेरिकन थे, ये भी ध्यान में रखने पड़िए, और ये फिलोसोफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट थे, हु ट्रेंड टू बी ए फिजिशियंस बिफोर गोइंग इनटू साइकोलॉजी, ओके। और इनके अलावा अगर बात करें तो देर आर फोर मेथड्स फॉर जेम्स बुक्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इनके अलग अलग जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जेम्स मोस्ट फेमस साइकोलॉजिकल मेटाफर है। इमोशंस है, लेटर नोन एज द जेम्स लैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। फिर इसका हैबिट है, ह्यूमन हैबिट्स एंड कंसिस्टेंटली फॉर्म टू अचीव सर्टेन रिजल्ट्स जाना गया। और इसके अलावा एक और इनकी थी चौथी, तो एंड विल के था, जो थ्रू जेम्स पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो ये चार थ्योरीज उनके बारे में हुई। तो देर आर फोर मेथड्स फ्रॉम जेम्स बुक जो मैंने आपको अभी बताएं। तो अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, मगर जब भी आप जानते हो साइकोलॉजी की जब आपका मनोविज्ञान का पेपर होता है तो मोस्ट ऑफ द उसमें डेफिनेशंस का और बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है गाइस। तो आप लोग एक एक को बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट आप लोगों को तैयारी करने में आसानी रहेगी। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू जे बी वॉटसन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि जे बी वॉटसन साइकोलॉजी का जो है उसको किसका अध्ययन मानते हैं, यानी कि उनके अनुसार कैसा साइकोलॉजी की किस तरह का अध्ययन है, ये हमारा अगला सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन अल्टरनेट की बात करें तो हमारे पास में चार अल्टरनेट है, और उन चार अल्टरनेट्स की हम लोग चर्चाएँ करें तो चार अल्टरनेट में हमारे पास में था, एक था मेंटल स्टेट, एक बिहेवियर, एक कॉन्शियसनेस और एक माइंड। ये स्कूल एक्सेस 2016 की होम साइंस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है गाइज, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और स्क्रीन के फर्स्ट जो था उसे पे मैंने ये भी नोट किया था कि ये वाला जो रिलेटेड है इसमें प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सवालों को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बिहेवियर का माना है उन्होंने, तो हमारे चार ऑप्शंस थे मेंटल स्टेट, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड माइंड। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी द बिहेवियर। ओके गाइज, तो बिहेवियरिज्म जो है अकॉर्डिंग टू वॉटसन वो द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ओनली बिहेवियर दैट कुड बी ऑब्जर्व अगर रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड वाज ऑफ एनी रियल वैल्यू फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। ओके गाइज, तो ये वाला जो सवाल था वो पूछा गया था, और जैसा कि मैंने बताया 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, स्कूल लेक्चर्स में होम साइंस के एग्जाम में पूछा गया सवाल था। और देखिएगा इसी तरह का एक और हमारे पास में सवाल है जिसको लेकर के चर्चाएं करते हैं गाइज, और जिसमें मैंने अभी आपको लैब के बारे में बता रहा था कि 1879 के अंदर जो लैब स्थापित हुई थी, वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी, ठीक है, उसके बारे में लगभग सवाल पूछा जाता है। कई बार वुंड को लेकर के सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार लेबोरेटरी को लेकर के पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी लोकेशंस को पूछ लिया जाता है जो लिप्जिंग जर्मनी में है, और कई बार इसके अलावा जो सवाल पूछा जाता है वो इसी से रिलेटेड, जैसे जो वुंड था उसने एक इम्पोर्टेंट पार्ट कहें कि अदा किया था साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, तो इसलिए उनको ये भी कहा जाता है कि ही इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, दैट टाइम योर आंसर विल बी विलियम वुंड, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जो थी वो साइकोलॉजी की वो लेबोरेटरी है वो स्थापित की थी, ठीक है, कहाँ पे की थी, लिप्जिंग में, जर्मनी में की थी। तो एक और हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसकी तरफ बढ़ते हैं, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी लेज एम्फेसिस टू मैक साइकोलॉजी एज ए प्योर साइंस। देखिएगा मैंने कहा ना कि जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग भागों में चल करके आगे बढ़ी है, कभी इसको आत्मा का माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया, कभी व्यवहार का माना गया, इस तरह से अलग अलग चरणों में, जिसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोज़ में चर्चाएं की है। मगर फिलहाल हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर इस स्पेशल वीडियो के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट और डिटेल्स हम लोग बताएंगे। ये वाला सवाल स्कूल लेक्चर 2013 की ज्योग्राफी के एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है गाइज। तो सवाल है हमारा, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी लेज एम्फेसिस टू मैक साइकोलॉजी एज ए प्योर साइंस, और हमारे पास ऑप्शन थे बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, गेस्टालिज्म, और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आने वाला है वो है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद के रूप में। तो गाइज बिहेवियरिज्म वॉज द प्राइमरी पैराडिगम इन द साइकोलॉजी बिटवीन 1920 टू 1950 एंड इज बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ अंडरलाइंग एजम्पशंस रिगार्डिंग मैथोलॉजी एंड बिहेवियरल एनालिसिस। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, जैसा कि ये बिहेवियरिज्म के बारे में जाना जाता है, व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है, और इसमें भी व्यवहारवाद में भी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारा, द फाउंडर ऑफ बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज, और ये सवाल पूछा गया था स्कूल लेक्चर 2013 की फिजिक्स के एग्जाम से पूछा गया था, और फोर अल्टरनेट हमारे पास थे, कोहलर था, विलियम जेम्स था, जॉन डेवी था और जॉन बी वॉटसन था, और हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो होगा जॉन बी वॉटसन। तो द फाउंडर ऑफ बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात की जाए तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जॉन बी वॉटसन। गाइज मैंने बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चंस या तो
रिलेटेड टू फाउंडर से पूछे जाते हैं या ज़्यादातर क्वेश्चंस में डेफिनेशंस होती है। तो गाइस जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मुलाकात करेंगे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।